मैं 5 साल तक ग्राफ्टेड अपना काटने वाला नहीं हूँ इसी फसल को। हाँ, जब तक इसका सेवा पे लगा रहूंगा और मेरे को लगता है मेरे को बहुत आगे तक ले जाएगा। ये बात प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि मैं तोड़ते तोड़ते मैं बोलता हूँ इससे ज्यादा फल देने वाला पौधा आज तक कुछ बना ही नहीं होगा। तो रोज बैगन ही तोड़वाता हूँ। उन लोग मेरे से पूछते हैं कि सेट और कितना महीना तक तोड़वाओगे यही बैगन? हाँ, एक ही चीज़ और आपका बैगन खत्म क्यों नहीं होता है? तो नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और आज हम लोग हैं ग्राफ्टेड बैगन के खेत पे। आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे में, मेरी जो हाइट है वो लगभग 5 फीट 7 इंच है, लेकिन हम लोग जो पौधा दिखाने वाले हैं वो 7 फीट 7.5 फीट तक दिखाएंगे। ये फार्म उसी फार्मर का है जिससे आप लोग करीब 1 साल पहले आप लोगों ने मुलाकात की थी। और कैसे इसको लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, कैसे इसको बेस्ट आप लोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ग्राफ्टिंग बैगन जो है वो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे और इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ में, पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। एक ही पौधा है इसमें? हाँ, वैसे इसमें कल ही तोड़ाई हुआ है, लेकिन अच्छा। फिर भी कुछ तो ये पौधा एक ही है या 3-4 पौधा मिला? एक ही पौधा है, एक ही पौधा है। जैसा बरगद का पौधा होता है वैसे ही हो गया। बड़े में बरगद का पौधा है, छोटे में ग्राफ्टेड भाटा का पौधा है। ये देख सकते हैं यहाँ थोड़ा पत्ता कम है तो क्लियरिटी से दिखेगा। खाड़ा तिरछा हो करके पूरे चारों तरफ में इसमें फ्रूटिंग दिख रहा है हमको। इसको बांध बांध के रोका गया है ना, ताकि ये ज्यादा फैले नहीं, टहनी टूटे मत। हाइट के बारे में हम लोग जब बात करेंगे ना तो होगी लगभग इतनी, आप लोग देख रहे होंगे मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 7 इंच है और मैं पूरी तरह से यहाँ खड़ा भी हूँ खेत में। और इसका जो हाइट है आप लोग देख रहे होंगे यहाँ तक ये पहुँचा हुआ, और हर जगह पे वैसी फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब कम्प्लीट है। यहाँ फल आया हुआ है और वैसे ही फूल भी आ रहा है। तो ये ग्राफ्टेड है, ग्राफ्टेड कैसे होता है वो भी दिखाएंगे, कैसे लगाया गया है वो भी हम लोग बात करेंगे। जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं इनको आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, हम लोग करीब 7-8 महीने के बाद फिर से मुलाकात हुई है और एक तगड़ी खेती के इस सिलसिले में इनसे मिला हूँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफ्टेड बैगन के बारे में। सबसे पहले संजय जी स्वागत है आपका। धन्यवाद आप। और बहुत लोग आपको जानते होंगे, लगभग कम से कम 1 लाख लोग आपके वीडियो देख चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ग्राफ्टेड बैगन आपने लगाया है और जो पौधे की हाइट है वो 7 फीट तक चली गई है, अब आपका क्या रिस्पॉन्स है इसके बारे में? ये पौधे का हाइट तो और चला जा रहा था, लेकिन बड़े मुश्किल से इसमें लिवोसिन छिड़काव करवा के इसको रोक के रखा गया है। अच्छा, ऐसा भी कोई आता है दवाई? हाँ, वो ग्रोथ को रोक के रखता है पौधे का। बिल्कुल, फ्रूटिंग पे इसका पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है फ्रूटिंग साइड चला जाता है, बढ़वार को रोक के रखता है ये लिवोस... मतलब ये अब बढ़ेगा नहीं, फ्रूटिंग भरेगा इसमें? नहीं, बढ़ेगा तो ये मौसम के कारण भी नहीं बढ़ रहा है। अगर ये बरसात का मौसम रहता तो मेरे को लगता है 10-11 फीट हो जाता अगर लिवोसिन हम नहीं चलाते। अभी अगर इसको छोड़ते हैं तो ये बढ़ेगा कि रुका है अभी? नहीं, ये अभी ठंड है तो थोड़ा सा रुका रहेगा, जैसे ही इसको सूटेबल क्लाइमेट मिलेगा फिर ये बढ़ना चालू हो जाएगा। फिर ये बढ़ना चालू। तो अपने को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, अपने को प्रोडक्शन लेना है जी काफ़ी मात्रा में। इसका कैनोपी बहुत अच्छा बन चुका है तो इसको और ज़्यादा बढ़ा के हमको पत्तों और डाल से मतलब नहीं, अपने को फल से मतलब, इसलिए ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे। इसमें जो ग्रोथ को रोक के रखता है वो वाला दवा इसमें टाइम टू टाइम छिड़क के कंट्रोल किए हुए हैं। कोई भी ऐसा कोना डाल का, मतलब आप लोग अगर ऐसे देखेंगे तो छोटा सा, मैं ऐसे दिखा दूँ, 1, 2, 3, 4, और जबकि इसमें फ्रूटिंग और तोड़ाई शायद चालू है ना? इसमें तोड़ाई लगभग 40 से 45 तोड़ाई हो चुका है अब तक। ये सही बात है कि कैमरे में आप नहीं, कैमरे पे नहीं। अगर 5 महीना से मैं कंटिन्यू बेच रहा हूँ तो 5 महीने में लगभग 150 दिन होता है। ओके, तो 150 दिन में 40 तोड़ाई कोई बड़ी बात बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, कब लगाए थे? लगभग अप्रैल, हम लोग इसको मई में लगा चुके थे। में, नहीं, मई में इसका ग्रोथ ठीक ठाक आ गया था और जून 20 जून से कंटिन्यू इसका तोड़ाई चालू है। अच्छा, और उस समय से अभी तक चला रहे हैं और अभी इसका समय आ गया है, रखेंगे इसको या इसको बीच में कटिंग भी लेना पड़ता है अपने को, क्योंकि इतना भारी भरकम हो चुका है पौधा जी। तो जो नीचे से जो टहनियाँ, कोमल टहनियाँ निकलना चाह रही है वो निकल नहीं पा रही, सूरज का रोशनी नहीं मिलता है, तो उसको कटिंग करके उसको हम लोग निकाल के उसमें सेम टू सेम जो पुराना प्लांट रहता है, नया प्लांट जो लगाते हैं उतना प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो उसके लिए एक बार इसको कटिंग करवाना अभी पड़ेगा। इसको जैसे गुलाब छटाई करते हैं वैसे छटाई कर बस देंगे। इसको पूरा छटाई कर देंगे, दिल में पत्थर रखें जी बिल्कुल, क्योंकि हर जगह फ्लावर हर जगह है, कंटिन्यू फ्रूटिंग है, लेकिन दिल में पत्थर रख के कटिंग करना पड़ेगा इसका। फर्क बताइए ना एक बार, अगर आप नॉर्मल बैगन लगाते उसमें और ये ग्राफ्टेड है इसमें, दोनों में क्या फर्क है? आप लाइव अंदर देख सकते हैं, ये है अपना ग्राफ्टेड, मेरे हाइट के सामने इसका हाइट आप देख लीजिए। हाँ, ये खड़े हैं, जबकि व्यूअर्स को मैं बता दूं ये खड़े हैं। और ये जो अपना देसी भाटा है
हाँ। बिना क्राफ्टेड है, उसी उसी कंपनी का 212 ही है। अच्छा, इसमें भी आप खड़े ही हैं, है ना? हाँ, ये विदाउट ग्राफ्टेड है। बीजा वही है लेकिन ये ग्राफ्टेड नहीं है, ये ग्राफ्टेड नहीं है। और इधर वाला जो है ये ग्राफ्टेड है। तो कब कब खत्म हुआ ये, कितना डिफरेंस में? मुश्किल से 3-4 तोड़ाई चला, 3-4 तोड़ाई चला इसमें। और इसमें करीब आपने 40 तोड़ाई कर लिया? इसमें 40 तोड़ाई से प्लस ही होगा, कम नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए आपने VNR 212 लगाया, VNR 212 ही हम लगाएं और ग्राफ्टेड लगाएं, तो इसमें फर्क, इसका हाइट ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसा है क्या? नहीं, तो ग्राफ्टेड ही तो मतलब सब चीज़ का जड़ वही है। अच्छा, क्योंकि ग्राफ्टेड में इसका नीचे जंगली भाटा का जड़ है। हाँ हाँ, तो हम लोग इतना श्योर हो गए कि 10,000 पौधा लगाए हैं तो लगभग 9,900 पौधा कम से कम जिंदा रहेगा। okay. अपने मन में श्योरिटी हो गए तो अपना दिल खोल के इसमें पूंजी लगा सकते हैं जमीन में। अच्छा, क्योंकि नुकसान होने का रिस्क सवाल ले सकते हैं। हाँ, तगड़ा रिस्क ले सकते, मतलब नुकसान होने का सवाल बहुत कम रहता है। ये सबसे पहला बेनिफिट है जो कि हर बड़े फार्मर को सबसे पहले ही तोड़ देता है, क्योंकि हम पौधा लगाए, फूल फल जब आया और पौधा मरने लग गया तो किसान टूट जाता है। ओके। और दूसरी बात, प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि मैं तोड़ते तोड़ते मैं बोलता हूँ इससे ज़्यादा फल देने वाला पौधा आज तक कुछ बना ही नहीं होगा। ओके। क्राफ्टेड पौधा के इससे पहले भी मेरे लेबर लोग तीन बार उन लोग अपना नौकरी छोड़ के दूसरे जगह काम करने चले गए हैं, क्योंकि उन लोग को रोज बैगन ही तोड़वाता हूँ। उन लोग मेरे से पूछते हैं कि सेट और कितना महीना तक तोड़वाओगे यही बैगन? हाँ, एक ही चीज़ और आपका बैगन खत्म क्यों नहीं होता है? वो लोग खुद परेशान हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि कुछ और चीज़ों का खेती करें। हाँ, तोड़े तो ये पुराना ही नहीं हो रहा है। हाँ, ये पुराना ही नहीं होता और सेम टू सेम एज इट इज, तो ऐसे ही साइनिंग वाला। अभी मुझे बताइए कि ग्राफ्टेड और नॉर्मल में टेस्ट का क्या फर्क है? अगर टेस्ट तो ग्राफ्टेड में उससे 20 गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अच्छा, नॉर्मल से ज़्यादा टेस्टी बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा साइज का बैगन होता है और गूदा बिल्कुल नहीं होता है, उसमें दाना वगैरह नहीं रहता है, पूरा मांस ही मांस रहता है, क्योंकि उसका नीचे का न्यूट्रिशन जंगली भाटा उठा रहा है। हाँ, और पूरा पूरा ताकत मिल रहा है हाइब्रिड भाटा को, तो क्वालिटी एक नंबर का आता है। मार्केट में जाएंगे तो सबसे पहले मेरा भाटा बिकता है, बाकी लोगों का बाद में। बिल्कुल, कीड़ा वगैरह भी नहीं लगता है। ये है संजय जी, और टेक्निकल खेती के बारे में कुछ भी क्वेरी होगा तो कमेंट करते रहिएगा जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। संजय जी, मुझे बताइए कितने जगह पे आपने ये बैगन लगाया? लगभग 3 एकड़ में बैगन लगा हुआ है, 3 एकड़ का रकबा है। और कैपिटल आपने लगा तो दिया इतना सारा, आपको पूंजी वूंजी निकल गया? तो पूंजी तो मेरे को लगता है दूसरे तोड़ाई पे ही मेरा निकल चुका था। और आपने 35-40 तोड़ाई किया? लगभग मैं 35-36 तोड़ाई का हिसाब रखा हूँ आज से 2 महीना पहले। लेबर भी हिसाब रखना छोड़, उसके बाद मैं इसका लेखा जोखा ही बंद करवा दिया हूँ जी, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये मेरा एक नौकरी हो गया है और मेरे को आने वाले और कुछ सालों तक पैसा देते ही रहेगा। तो हम लोग ग्राफ्टिंग देखना चाहेंगे अगर कि कैसे दिखेगा, तो वो देख पाएंगे इसमें सब में? अभी अभी थोड़ा सा कठिन है ग्राफ्टिंग देखना, क्योंकि इतना फिर भी भर गया, फिर भी बरगद पौधे पेड़ की तरह हो गया है इसका जड़। हाँ, हाँ, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि जंगली कौन सा है। फिर भी एक आध दो पौधा जो जंगली उग जाता है, ये देखिए ये इसका जड़ से निकला है, जो जड़ होता है। अच्छा, भाटा का उसमें से निकल करके ये पौधा तैयार हो जाए। इसमें पूरी तरह से काटा है, आप कैमरे में दिखा सकते हैं, इसमें पूरा काटा निकला हुआ है, ये जंगली भाटा है। ओके। तो इसका जान इतना ज़्यादा है कि जहाँ लेबर लोग चलते फिरते हैं जमीन से, वहाँ से भी ये जड़ से निकल रहा है, तो कितना ज़्यादा इसके अंदर जान है। हम लोग इसको रोक रोक के रखते हैं ताकि ये मर जाए, इसमें स्प्रे करते हैं घास मारने वाला दवा का, इसको समय समय पे कटिंग करवाते हैं, ये उसका जड़ है। बिल्कुल। और इसका जो पोची है, फल जो है, ये ऊपर का हिस्सा है जिसमें हाइब्रिड को जोड़ा गया है। जोड़ा गया है। ये ना जरा सा कि जड़ कैसा होता है इसका, थोड़ा सा नज़दीक लाना पड़ेगा कैमरे को। ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका यहाँ से नीचे का कलर अलग है। अच्छा, ये थोड़ा ग्रीन टाइप का है और इसके ऊपर जस्ट ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड से चूंकि इतना ज़्यादा टहनी निकलता है अपना हाइब्रिड का, चारों साइड शाखाएं हैं, तो ये मोटा हो जाता है और ये एज इट इज थोड़ा पतला रहता है इससे साइज में। हम लोग देख रहे हैं एक जो यहाँ पे फल है, ये कौन सा, ये जंगली है या? ये जंगली नहीं है, जंगली का फल बिल्कुल छोटा छोटा गोल गोल रहता है। अच्छा, ये देखिए इसमें हाइब्रिड हो गया, इसमें से जंगली पौधा भी निकल रहा है। इसको आप तोड़ते हैं बीच-बीच में? इसका यदि आप पत्ते से इसका कंपेयर करेंगे भाटा के पत्ते से, हाँ, तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक्चुअल भाटा का है और ये जंगली भाटा का है। ये थोड़ा ऐसे कटिंग ऐसे कट शेप में है और इसमें पूरा काटा उगा हुआ है। बिल्कुल, जितने भी इसमें पीछे साइड भी देखेंगे पूरा काटा लगा हुआ है, उसमें फल भी होगा अभी, तो अभी तक हो नहीं पाया है इसमें, क्योंकि इसको बढ़ने का हम लोग टाइम नहीं देते हैं, तो इस टाइप से समय समय पे इसको तोड़ते रहना पड़ता है, नहीं तो ये बढ़ जाएगा और ये रुक जाएगा, जंगली पौधा बढ़ जाएगा और इसको पूरी तरह। मैं एक बार ये वाला बैगन आप तोड़ेंगे अगर समय हो ऐसा, तो मैं लगभग अप्रोक्स
एक कितना साइज आता है इसमें, देखिए देखिए आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। हाँ। यदि आप कैमरा को जूम करें, एकदम नया शाखा निकला था इसमें से, एकदम नया अभी निकला है और इसमें पत्ता भी नहीं है, लेकिन फल इतना बड़ा है कि मैं खुद ताज्जुब हूँ देख के। इसमें जान कितना है, इसका टहनी को तोलेंगे तो मुश्किल से 100 ग्राम भी नहीं है, और भाटा को तोलेंगे तो 500-600 ग्राम का। देखें अगर हम लोग साइज, तो ये डाल पे दब करके ये साइज में बैगन आया है इसमें। ये जो पोजीशन देख रहे हैं, ये दबा हुआ था और ये एकदम बिल्कुल नए डाल पे हुआ। मैंने कई और बैगन ऐसे देखे हैं, जैसे मैं यहाँ दिखाऊं तो इसके पौधे में जितना क्षमता नहीं है उससे कहीं ज़्यादा इस पे बैगन आया हुआ है। संजय जी थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए कि अगर इसको सबसे पहले खेती करना है तो आपने इसका पौधा तैयार किया या तैयार करके आप लोग लाते हैं? देखिए ग्राफ्टेड जो इंग्लिश नेम है ग्राफ्टेड, हाँ, तो हिंदी में आप लोग हम लोग समझेंगे तो एक कलम ही है एक तरह से। ये कर तो सकते हैं कि हम भी ये बहुत एक दो पौधा का कर सकते हैं अगर दूसरा लगभग 10 रुपए का एक पौधा आता है, तो इतना हाई रिस्क कैसे ले सकते हैं आप लोग अचानक से कि ये हाई रिस्क नहीं है, लो रिस्क है। अच्छा, लो रिस्क है। 10 रुपए अपन दे के कम से कम ये तो श्योर हो गए कि हमारा पौधा मरेगा नहीं। हम जो पूंजी लगाए हैं, हम मल्चिंग लगाए हैं, हम खूटा लगाए हैं, हम बेड लगाए हैं, हम ड्रिप इसमें मरने का मोर्टिलिटी कम है आपका? मोर्टिलिटी ना के बराबर है, लेकिन दो चार एक अपवाद ऐसा हो ही जाते हैं, मरते हैं। जहाँ पे बहुत किसान भाइयों का मैं देखा हूँ कि हाँ। प्लाट साफ हो गया है, ग्राफ्टेड का भी तो रिक्सी तो है, लेकिन हमारे यहाँ भाई भगवान का कृपा है, एक भी पौधा अभी तक नहीं मरा है। बिल्कुल। संजय जी मुझे थोड़ा सा और जानकारी दीजिए कि जैसे हमने खेत स्टार्ट किया, खाद के बारे में हमने पहले वीडियो बना चुका है, तो इसमें बेड टू बेड दूरी कितना रखना है और पौधे से पौधा दूरी कितना? देखिए मेरे को एक्चुअल में बताए थे नर्सरी वाले कि बेड से बेड का दूरी आपको काफ़ी ज़्यादा रखना है, लेकिन मैं सोचा क्या पागल छोटे पौधे क्या पागल है क्या 8 फीट में मेरे को लगवाएगा तो ये मेरा खेत सटेगा ही नहीं। तो मैं अपना कलाकारी करके 6 फीट में लगवाया था जी। लेकिन लेबर का डांट सुन सुन के और उन लोग का ताना सुन सुन के तो मैं परेशान हो गया हूँ, क्योंकि उन लोग को ना चलते बनता है, ना स्प्रे करते बनता है, ना भाटा तोड़ते बनता है, इतना ज्यादा पूरी तरह से सट गया है। यहाँ मैं तो क्या अंडा भी घुसाना मुश्किल हो जाता है, इसको बंधाई करवाते परेशान है। हाँ, तो आइडियल जो दूरी है वो आप 8 फीट से 10 फीट 15 फीट भी रख सकते। ये बेड टू बेड बेड से और पौधे से पौधे की दूरी का पौधे कंपनी वाले जो अपने नर्सरी वाले बोले थे कि 3 फीट आप रखिएगा, तो मैं 4 फीट भी रखा हूँ 3 फीट भी रखा हूँ, तो मेरे को कहीं कोई अंतर नहीं लग रहा है। अगर मैं 5 फीट भी रखता तो फिर भी सड़ जाता, इसको और जगह मिलता तो और फैलता ये और फैलता। संजय जी इसका अगर आप जो दवाई बताए वो नहीं चलाते तो इसकी हाइट मुझे लगती है और बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। अपने को हाइट जो परफेक्ट है यहाँ इसका लगभग 5 फीट 6 फीट तक इसको रखना चाहिए, रख के इसको रोक देना चाहिए। और कैनोपी अच्छा बना के इसमें, मतलब जैसे एक जर्सी गाय को पाल लिए और खिलाए पिलाए और दूध दूहते रहे वही टाइप का है जी। इसमें ड्रिप और मल्चिंग ये लगाना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो संभव नहीं है। अगर कोई किसान भाई कोशिश करना चाहते हैं कि मैं 2-4 पौधा 100 पौधा बिना मल्चिंग का लगा लूं, बिना ड्रिप का लगा लूं, तो मैं उसको सलाह दूंगा कि आप कोशिश ना करें। हाँ, थोड़ा मोड़ा लगा ले, एक दो पौधा थोड़ा मोड़ा लगाए, एक दो पौधा घर में खाने के लिए वो सही है जी। यदि आप बृहद पैमाने पे मतलब प्रोफेशनल के तौर पे करना चाहते हैं तो मल्चिंग और ड्रिप चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इसको रोज खाद चाहिए। और एक चीज और बता दीजिए कि इसमें ये तो पौधा हेल्दी है, मजबूत है, तो फिर इसमें ये खूंटे बांधने की क्या जरूरत पड़ेगी? हम लोग देख रहे हैं पूरा खेत आपने पैक कर दिया। ये कुछ मजबूत नहीं है, जब इसमें एक पौधा में जब 10 किलो फल आता है ना, अच्छा, तो ये इसको 5 किलो उठाने का भी इसका क्षमता नहीं है, क्योंकि कोई झाड़ नहीं है, एक पौधा है, तो इसको पूरा सपोर्ट ही खूटा ही दे के रखता है। तो आपने जो रस्सी बांधा है इसमें ये टिक जाता है, चारों साइड से इसका रस्सी बंधाई किया हुआ है, ये चाह के भी इसका फल टूट के नीचे नहीं गिरेगा। ये बहुत अच्छी बात है, कैपिटल बहुत लगता है। लगभग आपको कितना रुपए लगा होगा 1 एकड़ में? तो लॉकडाउन का समय था, बड़े मुश्किल से मैं उभरा था, तो मेरे पास जो जमा पूंजी था मैं बहुत ज़्यादा ही लगा दिया था। अच्छा, करीब करीब मेरे को लगता है 50 से 60 हज़ार रुपये एकड़ में खर्चा हो गया था मेरा, मल्चिंग खूटा उससे भी ज्यादा हो गया था, 1 लाख रुपए करीब हो गया था मेरा एक लाख रुपए के आसपास। हाँ, 3 एकड़ में मेरा 3 लाख खर्चा हो गया। आप खुश हैं ग्राफ्टेड बैगन लगा के? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं। VNR 212 बंद हो गया, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, आपको जानकारी है? ये तो पैरों तले जमीन खिसका दे रहे हैं आप। VNR 212 बंद हो गया है? नहीं, ऐसी वैरायटी को बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें इनका भी शायद कुछ ऐसा वो रहता है कि गवर्नमेंट का पॉलिसी रहता है इतने साल। देखिए अगर ये बंद हुआ होगा तो मैं 5 साल तक ग्राफ्टेड अपना काटने वाला नहीं हूँ, इसी फसल को। हाँ, जब तक इसका सेवा पे लगा रहूंगा और मेरे को लगता है मेरे को बहुत आगे तक ले जाएगा। आपको उम्मीद है कि ये फसल चलेगा जैसे गुलाब होता है वैसे ही ये बढ़ता है? नहीं, इसमें बस कटिंग करवाते रहिए और ये पौधा जैसे का वैसा नया ही रहेगा। संजय
जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। रेट के बारे में थोड़ा सा आइडिया देंगे कि? रेट तो बहुत अच्छा था, अपन तो लगभग लगभग भाटा 20 से नीचे अभी तक बेचे ही नहीं है। अच्छा। एक बार भी मिनिमम 20 रहा। हाँ। कई बार उतार चढ़ाव रहा इसके बाद भी, और लगभग 150 क्विंटल तक मैं एक तोड़ाई में लिया हूँ भाटा। 150 क्विंटल मतलब कि बहुत, एक तोड़ाई में। जी, हम लोग आपके साथ में आगे भी जुड़ेंगे किसी और अच्छे खेती में। संजय जी से कोई टेक्निकल चीज़ें पूछनी होगी तो व्यूवर्स कमेंट करिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, बहुत सारी काम की चीज़ें वहाँ मिलने वाली है आपको। आप हमारे वीडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर से मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।